अपना पंजाब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ ध्यान सिंह राय, पेश ने अज दियां खबरां। अमरीका की कैलीफोर्निया स्टेट के बेकरसफील्ड शहर के मेयर हार्वे हाल समेत एक डेलीगेशन ने पंजाब का विशेष दौरा किया। इस दौरे की अगुवाई उगे प्रवासी पंजाबी ते पंजाबी संसार रेडियो के मालक सरदार नाजर सिंह कुनर कर रहे सन। उन्होंने श्री अमृतसर साहब समेत पंजाब के वख-वख शहरों का दौरा किया। पेश है ये रिपोर्ट। पंजाबियों ने विदेशों में जाके बहुत तरक्की की है, पर उन्होंने अपनी मिट्टी का मोह भी नहीं भुलता। अमरीका के बेकरसफील्ड शहर के पंजाबियों ने उत्थों के मेयर समेत पंजाब का विशेष दौरा किया। वो PAU लुधियाना, गुरु नानक कॉलेज चंडीगढ़, पटियाला और श्री अमृतसर साहब गए। उन्होंने बेकरसफील्ड से श्री अमृतसर साहब के आदान प्रदान लई विशेष मीटिंगां कीतियां। अमृतसर के डिप्टी मेयर राजवीर पाल सिंह रंधावा ने उन्हों का निघा स्वागत किया। डेलीगेशन होरना तो इलावा सुखी घुमण, श्यारा सिंह ढींडसा, अमरजीत सिंह गरेवाल, मिस्टर ढिल्लों और अमरजीत सिंह टुट विशेष रूप में हाजिर सन। श्री कूनर ने गलबात करदियां इस बारे खुशी प्रगट की। असं यही चाहते हाँ भी साड़ी बोली, साड़ा सभ्याचार जीवदा रहे, जिहड़ी आने वाली संतान है असी उन्हूं पंजाबी भेट कर सकीए, साड़ी यही उम्मीद है। इहदे लई असी इह उपराला कर रहे हैं। I love the Punjab and it's bringing the memory of my new generation and I saw really beautiful weather, beautiful trees, especially we know the best rice is from Punjab. अज उस समय सिख इतिहास में एक महान कार्य की आरंभता हुई जदों शहीदों की पवित्र धरती श्री फतेहगढ़ साहब विखे श्री गुरु ग्रंथ साहिब विश्व यूनीवर्सिटी का नींह पत्थर रखा गया। नींह पत्थर की रसम पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने रखी। उन्होंने इस मौके पर SCPC प्रधान सरदार अवतार सिंह मक्कड़, सुखबीर बादल और श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार तो इलावा होर बुद्धिजीवी और सीनियर लीडर पुजे। पेश है फतेहगढ़ साहब तो यह विशेष रिपोर्ट। मीनारे एकमकार का यह सुंदर दृश्य श्री फतेहगढ़ साहब की पवित्र धरती से उसारिया गया है, जिथे श्री गुरु ग्रंथ साहब विश्व यूनीवर्सिटी उसारी जानी है। अज पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने इस महान कार्य का नींह पत्थर रखा। ये इतिहास कार्य मौके होरना तो इलावा श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार अवतार सिंह मक्कड़, श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह, श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल, सुखदेव सिंह ढींडसा, चरणजीत सिंह अटवाल, कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया, भाजपा प्रधान प्रोफेसर राजेंद्र भंडारी तो इलावा सीनियर अकाली नेता अते मंत्री अते धार्मिक शख्सियत हाजिर सन। नींह पत्थर की रसम तो बाद इकट्ठ नूं संबोधन करदियां सरदार बादल ने कहा कि अज का दिन पूरे विश्व के सिखां लई इतिहासिक है। इस तो इलावा सुखबीर बादल, अवतार सिंह मक्कड़, सुखदेव सिंह ढींडसा आदि ने भी संबोधन किया। श्री अकाल तख्त के जथेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह ने कौम के नाम संदेश दिता। यह यूनीवर्सिटी के कुल लगभग 270 करोड़ रुपए के करीब खर्च आएगा, परंतु इसका पहला पड़ा 2009 शुरू हो जाएगा। सरदार अवतार सिंह मक्कड़ ने कहा कि सिख धर्म का यह वड्डा ते महान कार्य है। एक गुरु ग्रंथ साहब विश्व यूनिवर्सिटी का नींह पत्थर अज रखा गया। सरदार प्रकाश सिंह जी बादल मुख्यमंत्री पंजाब ने अपने कारकमलों नाल अज दा यह काम शुरू किया, आरंभता की है। पहला जिहड़ा ब्लॉक है जिसे तकरीबन 45 से 50 करोड़ रुपए खर्च आएंगे, वो एक साल कंप्लीट होकर यूनिवर्सिटी अपने कार्य आरंभ कर देगी, यानी सितंबर 2009 तक यूनिवर्सिटी अपना कार्य जिहड़ा वो आरंभ कर देगी। सरकार भावें खेडों वल उन्ना ध्यान नहीं दे रही जिन्ना के चाहिदा है, परंतु पिंडां विच होण वाले खेड मेले खिडारियों नूं चंगे मौके प्रदान करते हैं। इसे तरह जिला लुधियाणा का कोट गंगू राय का खेड मेला भी अपनी वक्री थां रखता है, जिथे इस खेड मेले विच पंजाब भर चों खिडारी हिस्सा लैंदे हन अते लखां रुपए के इनाम भी वंडे जांदे हन। पेश है इस खेड मेले की यह रिपोर्ट। कोट गंगू राय का खेड मेला, जिसनों पेंडू खेड मेलों का मिनी ओलंपिक भी कहा जाता है, बड़ी शानो शौकत नाल समापत होया।
पूरे पिंड वासियों के सहयोग और प्रवासी भारतीयों की मदद नाल करवाया जाता यह खेड मेला कोई जान पहचान का मुहताज नहीं। इस खेड मेले में पूरे पंजाब विचों चोटी के खिडारी हिस्सा लेंदे हन। इस दिन कूनर गोत के जठेरिया की पवित्र समाध से एक मेला भी भरता है जिथे पिंड अते इलाके दे लोग श्रद्धापूर्वक मत्था टेकते हैं। पिछले सालों की तरह गुरदयाल स्टेडियम की विशाल ग्राउंड विच चार रोज़ा खेड मेला करवाया गया जिसका हज़ारों दर्शकों ने भरपूर आनंद माणिया। वख-वख खिडारियों अते प्रमुख शख्सियतों का सन्मान भी किया गया। इस मौके पर NRI सरदार केसर सिंह धालीवाल UK ने मेले संबंधी जानकारी दी। असी खुद कबड्डी के प्रमोटर इंग्लैंड तो साड़ी यही कोशिश होंगी है बाहरलियां दी भी वध तो वध कबड्डी प्लेयर जिहड़े आ साडे प्रमोट किए जाण और वध तो वध कबड्डी प्रफुल्लित करन लई वड्डे तो वड्डा नाम दिता जाए। जिस तरह अज असी साडे पिंड दी क्लब कोट गंगू राय ने सन्मानित किया है साडे बंदे नूं, जो भी NRI कितें भी किसी कंट्री च भी वसदा उहनूं यही बेनती आ भी आपो अपने पिंडां दे विच इस खेड कबड्डी नूं प्रमोट किया जाए। इस खेड मेले लई अमरीका निवासी सरदार नाजर सिंह कूनर, सरदार मेजर सिंह कूनर, BS कूनर, प्रधान रजिंदर सिंह और मास्टर मेवा सिंह का विशेष योगदान होता है। रोशनियों का त्यौहार दिवाली भारत तो इलावा विदेशों में भी मनाया गया। इस त्यौहार की आमदन लैके जिथे लोग घर सजा रहे सन उत्थे बाजारों में भी भारी रौनक देखने को मिली। बंब पटाकों की आवाज़ा आतिशबाजी दौशनियाँ माहौल में सुहावना बना रही सन। पेश है दिवाली ते अपना पंजाब दी ए रिपोर्ट। बाजारों विच रौनकां, चारे पासे भीड़ ही भीड़ अते मकानां ते लगियां सुंदर जगमगाउंदियां लड़ियां दिवाली दियां रौनकां दी हामी भरदियां हन। दिवाली दे त्यौहार मौके सुंदर मिठाइयां अते सुक्के मेव्यां दी खरीदो फरोखत भी की जाती है। दिवाली वाले दिन भावें वह अमीर होवे जां गरीब, हर कोई अपनी हैसियत अनुसार अपने घर विच खुशी मनाउंदा है। बाजारां विच आए गाहकां अते दुकानदारां ने अपने अपने विचार कुछ इस तरह पेश कीते। बहुत वधिया माहौल है खन्ने दा जी, बहुत मज़ा आ रहा दिवाली दा, अज तां बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा। अज दीआं खबरां विच बस इन्ना ही, अगली बार फिर मिलांगे। तद तक लई ध्यान सिंह रैन नूं दिओ इजाजत। धन्नवाद, सति श्री अकाल। अपना पंजाब।